आज मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, मैं आज अपने फ्रेंड से मिलने जाने वाली हूँ जिससे मैं करीब 16 साल बाद, या सही कह रही हूँ, मैं 16 साल बाद मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड एक और भी है, बट वो भी यहाँ पे नहीं है, वो कोलकाता में है। मेरी जो सेकंड फ्रेंड है वो यहाँ आई हुई है अपनी मम्मी के घर, तो अभी मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। बस सारा घर का काम मैंने कर लिया है और मेकअप भी हल्का फुल्का सा कर लिया, बस ड्रेस चेंज करनी है। और अगर वो व्लॉग में आना, वीडियो में बहुत लोग आना कंफर्टेबल नहीं फील करते, सो आज मैं फर्स्ट टाइम उसे मिलूँगी, तो अभी मैं उसको वीडियोस में नहीं लूँगी, बट पूछूँगी अगर उसकी फ़ोटोग्राफ्स इंसर्ट कर सकती हूँ तो मैं उसकी फ़ोटोज ज़रूर इंसर्ट करूँगी, बट वीडियो में अभी नहीं लूँगी क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत सारी बातें करनी होगी, बहुत कुछ, बहुत टाइम, मतलब 16 साल यार, बहुत बड़ा, बहुत लंबा वाला गैप है। सो इस बार हम मिल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ब्लॉग शेयर किया जाए, कि ये अच्छा सा प्यारा सा दिन हमने जो साथ बिताया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कॉमेंट करना, कैसा लगा वीडियो। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, राजमे मैंने बना दिए हैं और बस ड्रेस चेंज करनी है, कैब मैंने बुक कर ली है और बस कैब से वहाँ पहुँचूँगी रेस्टोरेंट में और फिर वहाँ पे मिलेंगे और देखते हैं। वहाँ अगर मैं वीडियो कर पाती हूँ तो डेफिनेटली करूँगी, और नहीं कर पाती तो लौट के आकर से मिलूँगी, ठीक है। तो मैं निकल पड़ी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए और आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं रास्ते में हूँ, बस 5-10 मिनट के अंदर मैं पहुँच जाऊँगी उसके पास और फिर हम वहाँ पर मिले, खाया पिया, बहुत मज़ा किया, इतना अच्छा लगा, इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि मैं व्लॉग करना भूल ही गई थी बिल्कुल भी। फिर मैंने घर में आने के बाद यहाँ पे अपना थोड़ा सा मेकअप का सामान सेट किया, बहुत सब कुछ फैला हुआ था तो एक जगह पे इकट्ठा करके रखा, फेस मेकअप एक तरफ, आई मेकअप एक तरफ, सब कुछ अलग अलग करके मैंने सेट करके रख लिया था। यहाँ पर ये दोनों कंसीलर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, NYB के, आप ट्राई कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट आई पैलेट था, इसको मैंने अब डिस्कार्ड कर दिया, शुगर का भी ये पैलेट मैंने डिस्कार्ड कर दिया, वेट एंड वाइल्ड का भी वाला पैलेट डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि ये सब की अब एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी थी। ये सब मेरे फर्स्ट परचेस थे। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईलैशेस, ग्लू वगैरह सब कुछ अलग अलग करके रख लिया है, अब थोड़ा इजी हो जाएगा यूज़ करना। छोटा सा कलेक्शन है बट मैंने सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया। रात में मैंने व्लॉग एंड नहीं किया क्योंकि आने के बाद मिट्टी को छोड़ कर गई थी घर पे। मिट्टी मेरी बेटी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग पे आए हो तो मिट्टी मेरी बेटी है और शिवम मेरा बेटा है, सो मैं उसको छोड़ करके घर में गई थी। फिर आने के बाद उसका खाना पीना सब कुछ किया और फिर आपने इसके पहले व्लॉग में, आप इसके पहले आप देख ही लोगे वीडियो में कि मैंने अपने थोड़े से मेकअप
जो मेरा मेकअप कलेक्शन है बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मेकअप कलेक्शन नहीं है, तो वो थोड़ा सेट किया, अच्छे से रखा, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था वो सब कुछ अच्छे से सेट किया, फिर खाना पीना सब कुछ करते कराते रात काफ़ी हो गई थी, लेट हो गई थी, और फिर मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं व्लॉग कर रही थी। मैं तो वहाँ रेस्टोरेंट में भी भूल गई थी कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। इसलिए भी शूट नहीं किया क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद हम मिल रहे थे, तो मुझे लगा पता नहीं उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत लोग ऐसे वीडियोस में नहीं आना चाहते, कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो मुझे लगा कि नहीं अभी वीडियो नहीं करना चाहिए। एक दो इमेजेस हैं, मैं क्लिप ऐड कर दूँगी उनकी, तो लेकिन बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम के बाद ये मिट्टी पीछे खेल रही है, बस अब इसके सोने का टाइम हो रहा है, उसको सुलाएंगे हम, तो बहुत अच्छा लगा। इतने समय के बाद हम मिले हैं, 16 ईयर्स, जी हाँ 16 साल बाद। हमारे तीन का ग्रुप था, है, और एक फ्रेंड वो भी शायद कोलकाता में ही है, उसकी भी शादी हो गई है, वो तो अभी यहाँ नहीं आई है। तो ये वाली फ्रेंड अपने मम्मी के घर में आई हुई थी, तो हमने मिलने का प्रोग्राम बना लिया और बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी बातें की हम लोगों ने, इतना कुछ ऐसा होना चाहिए यू नो, फ्रेंड से मिलते रहना चाहिए तो आपकी जो माइंड है वो भी रिफ्रेश हो जाता है। बहुत कुछ पुरानी चीज़ें याद आती हैं, पुरानी यादें रिफ्रेश होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और दोस्त तो हर किसी के अच्छे ही होते हैं, सो इतने लंबे गैप के बाद हम मिले और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थोड़ी बहुत पहले भी हम मिलने वाले थे इसके पिछले साल। हाँ बेटा, अच्छा पंप खोज लो, वहाँ पे गिरी होगी, वहाँ ढूंढ लो, अंदर गिरी होगी। तो इसके पहले भी हम मिलने वाले थे, बट उस टाइम कोविड बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, सो हमने डिसाइड किया कि हम नहीं मिलेंगे क्योंकि कोविड की वजह से सब अपने अपने घर में सेफ रहे। नहीं निकल रही, अच्छा मम्मा आती भी निकालती है, तो सब अपने अपने घर में सेफ रहें वो ज़्यादा बेटर है। तो हम इसके पहले वाला प्लान हमने ड्रॉप कर दिया था पिछले साल वाला, तो इस साल अगेन जब वो आए तो फिर हमने प्लान बनाया और बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना मिलके कि मैं क्या वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को, उस फीलिंग को, उस एक्साइटमेंट को। बहुत एक्साइटमेंट भी थी मिलने की कि यू नो 16 ईयर्स बहुत लंबा गैप है यार, सोचो तो बहुत लंबा गैप है। सो या दैट इज़ अ वेरी गुड, वेरी वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, खाना पीना खाया हमने वहाँ पर, और ज़्यादा हमने इधर उधर का नहीं रखा था प्लान क्योंकि मिट्टी छोटी है, तो मैंने इतना ज़्यादा दूर का कोई भी प्लान नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम पर वापस आना था। सो इसलिए हम पास में ही मिले थे। एंड या आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं है ऐसा कोई बहुत ज़्यादा, बट अगर आप मेरी चैनल को देखते हो और आप मुझे पसंद करते हो, मेरे वीडियोस को पसंद करते हो, तो आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना कि कैसा लगा, और अगर आप भी इतने दिनों बाद अपनी किसी फ्रेंड से मिले हो तो शेयर करना ये चीज़ मुझसे। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।